एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे आज जनवरी 2021 के एमसीक्यूज, जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी कि आपने जनवरी 2021 में जो भी करंट अफेयर पढ़े थे क्या आपको याद है एक्चुअली, और अगर वहां पर कुछ मिस हो गया था तो हम लोग यहाँ पर इसको एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। चलो, तो इतना अपने को क्लियर है कि हम लोग एमसीक्यू से अपनी रिविजन करेंगे और जो चीज़ें रह गई हैं उनको मतलब दोबारा से कर लेंगे। और साथ में ये क्या होगा ना कि जब आप एमसीक्यूज कर रहे होंगे आपको ये पता लगेगा कि भाई कोई भी जो टॉपिक है करंट में रहा है या फिर कोई स्टैटिक पार्ट में रहा है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो बनते कैसे हैं, क्या वहाँ से कोई वन लाइनर आ सकता है या वहाँ से कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोगों ने हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, चाहे उस क्वेश्चन का कंसेप्चुअल पार्ट हो चाहे उसका कोई फैक्चुअल पार्ट हो। चलो, तो हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले एमसीक्यूज के साथ में। फर्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल यूथ डे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 12th ऑफ जनवरी टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। देखो, इस स्टेटमेंट में हल्की सी ट्रिक हो सकती है कि भाई क्या पता डेट गलत दे रखी हो, क्या पता किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं उसका नाम गलत दे रखा हो, है ना। तो हमें थोड़ा सा शक करके चलना है कि भी स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, थीम ऑफ 2021 फेस्टिवल इज युवा उत्साह नए भारत का। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर्स में, खास करके जो ये तहसीलदार ETI या फिर कोई और ग्रुप सी पोस्ट के पेपर्स होते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 12th ऑफ जनवरी को बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखेंगे, इस डेट को ध्यान रखेंगे और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। और इसकी थीम जो इस बार की थी दैट इज युवा उत्साह नए भारत का, ये थीम भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि नया साल आया है, एक कोरोना से जीत कर इंडिया एक तरीके से आगे बढ़ा है। उस टाइम तक तो फर्स्ट वेव हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, ख़त्म हो चुकी थी, सेकेंड वेव तो अभी रिसेंटली आई है। तो उस टाइम पर ये उत्साह नए भारत का एक थीम डिज़ाइन की गई थी जिसमें पूरे इंडिया का एक जील की परफॉर्मेंस दिखाई गई थी, है ना। तो अगर हम देखें कि पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर है आपका बोथ 1 and 2 C। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये 4-5 फैक्ट्स हैं जो याद होने चाहिए, किसी भी रूप में अगर ये आ जाए तो आप इसको टैकल करने के लिए एलिजिबल हो। चलो, और साथ में मिनिस्ट्री भी हमने देखी ली है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो कि इसको ऑर्गेनाइज करवाती है हर साल। चलो, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्या ये जो डे है ये हर साल मनाया जाता है या 2 साल में एक बार मनाया जाता है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई डे है वो एवरी ईयर का फिनोमिना है या फिर वो बायएनियल फिनोमिना है। चलो, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI। ये जो इंडेक्स है ना, बेसिकली इस इंडेक्स के नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी देश में किसी भी स्टेट में जो डिजिटल पेमेंट का एक चलन है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है विद टाइम। क्या लोग अभी भी कैश से ही ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या फिर अब वो लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या पेटीएम या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डिसाइड करने के लिए एक इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। अगर हम देखें इसकी स्टेटमेंट्स, इट इज़ रिलीज्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें ये बताता है कि आपके पूरी कंट्री में कितने ज़्यादा लोगों ने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट किया है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड विद March 2018 एज द बेस पीरियड। आप जब भी कोई इकोनॉमी का इंडेक्स करेंगे ना, चाहे कोई भी हो, इसमें जो भी प्रोग्रेस हुई है या फिर हम लोगों ने प्रोग्रेस नहीं करी है, दैट इज़ रिलेटेड टू अ वन ईयर। वो बेस ईयर क्या है कि भाई 2018 में हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते थे डिजिटली, बट 2021 में 2018 के मुकाबले हम लोग कम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं।
तो हर इंडेक्स को मेजर करने का एक तरीका होता है बाय लिंकिंग इट विद अ बेस ईयर या बेस पीरियड. तो अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे द मार्च 2018 इज द बेस पीरियड टू कैलकुलेट दिस इंडेक्स. तो आरबीआई रिलीज करता है क्या ये बेसिकली इंडेक्स है और इसके रिगार्डिंग जो बेस पीरियड का एक फैक्ट है ये भी आप ध्यान रखेंगे. अगर हम देखें कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर इज बोथ 1 एंड 2. अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि किन पैरामीटर्स पर ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है, कि इंडेक्स क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, किसका क्या रैंक उस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है. ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हम लोग करते ही हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडेक्स. तो अगर हम इसकी बात करें, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें, तो ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर मेजर करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स. तो फर्स्ट है इसमें पेमेंट इनेबलर्स, जिसका जो वेट है दैट इज 25% की आप जो पेमेंट कर रहे हैं उनको क्या दिक्कत तो नहीं आ रही आपको पेमेंट करने के लिए. यू आर एलिजिबल टू डू द पेमेंट्स डिजिटली. आपके पास इनफ प्लेटफॉर्म्स हैं, पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, तो आपको आप इनेबल कर रहे हो लोगों को ट्रांजेक्शन्स करने के लिए. सेकेंड इसमें है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, कि अगर किसी को कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना है उसके लिए कोई फीस तो नहीं लग रही है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट शुड बी फ्री एंड इट शुड बी अवेलेबल एज वेल. कि आपके पास कोई ऐप तो हो ना जिसके थ्रू आप लोग कोई पेमेंट करेंगे. थर्ड है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, कि भाई ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट भी करनी चाहिए जो लोगों को ऐप प्रोवाइड करे. सप्लाई साइड का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल सही हो और आपको चीज़ें करनी आती हो, आपको अवेयरनेस हो कि भाई जो एक कंपनी ऐसी है जिसके थ्रू आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. नेक्स्ट है पेमेंट परफॉर्मेंस, कितना जल्दी आपका जो पेमेंट है वो ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाती है, कि क्या आपने पैसे सेंड किए तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, तो अगर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ना उतना ही ज़्यादा वो डीमोटिवेटिंग फैक्टर होगा फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन्स. एंड लास्ट इज़ दी कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कि जो भी पॉलिसी हो वो हमेशा कंज्यूमर सेंट्रिक होनी चाहिए, किसी भी तरीके की जो दिक्कत है ड्यूरिंग द पेमेंट आफ्टर द पेमेंट कभी भी नहीं आनी चाहिए कंज्यूमर को. तो जितनी स्कीम्स बनेंगी चाहे वो आरबीआई बनाए चाहे वो कंपनी बनाए जो प्रोवाइड कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर, बट सेंट्रिसिटी शुड बी ऑफ कंज्यूमर. तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं ये आप ध्यान रखेंगे, ये तो ध्यान रखने ही रखने हैं, साथ में अगर आप ध्यान रख सको तो इनके जो ये वेट है ना कि 25% इसके अकॉर्डिंग जज किया जाएगा, 10% इसके अकॉर्डिंग जज किया जाएगा, तो आप ये याद कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ये याद रह जाएंगे 5 यही बहुत है. अगर आपको ये याद है तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है. चलो नेक्स्ट है अपना कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो हर साल रिलीज किया जाता है. इस इंडेक्स के थ्रू ऐसी कंट्रीज को जज किया जाता है, मेजर किया जाता है कि उस कंट्री में रहने वाले लोग विदाउट प्रायर वीज़ा कितनी और कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं. वहाँ जाने के बाद वीज़ा वो ले लें वो अलग बात है, बट विदाउट प्रायर वीज़ा वो किसी और कंट्री में लैंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है. देखेंगे अभी इसके अगर स्टेटमेंट फर्स्ट की हम बात करें, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 85th इन दिस इंडेक्स. तो इंडिया का रैंक तो अपने को ध्यान रखना ही है, तो इंडिया का रैंक इसमें 85th ही है विद द स्कोर 58. बस 58 है और 85 है, हल्का सा चेंज है, ऑपोजिट है. सेकंड, जापान कंटिन्यूज टू होल्ड द नंबर 1 पोजीशन ऑन द इंडेक्स. कि भाई जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके लोग विदाउट हैविंग द प्रायर वीज़ा किसी और कंट्री में जा सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में वो लोग जा सकते हैं. अगर पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज हैं तो 191 कंट्रीज ऐसी हैं जो जापानीज सिटीजन्स को विदाउट प्रायर वीज़ा इनको अलाउड कर देती हैं आना.
तो यस, जापान इज एट द नंबर वन पोजिशन. तो इंडिया का रैंक ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर कौन है वो ध्यान रखेंगे, और ये इंडेक्स बेसिकली इसको रिलीज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो इसमें पूछा है हमसे चूज दी करेक्ट कोड ना, तो आंसर होगा आपका बोथ वन एंड टू. चलो अगर हम इसमें चीजें और देखें हल्की सी, कि आपको ये भी तो देखना होता है ना कि इंडिया का जो रैंक है 85th, ये पुराने साल के मुकाबले क्या अच्छा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है या फिर डाउनग्रेड हुआ है. तो अगर हम देखें तो इंडिया का रैंक हैज़ बीन डाउनग्रेडेड, बिकॉज 2020 में इंडिया का रैंक वॉज 84th, तो एक रैंक हम लोग कम आ गए हैं, नीचे की तरफ आ गए हैं. और 2019 में इट वॉज 82. तो अगर हम पिछले 3 साल का एक ट्रेंड देखें तो इंडिया का ये जो रैंक है अंडर दिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये डाउनग्रेड होता चला जा रहा है. ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं. अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो जापान है, और अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो दैट इज सिंगापुर. सिंगापुर सेकंड है, एंड साउथ कोरिया एंड जर्मनी ये दोनों ही थर्ड पोजीशन पर हैं. ठीक है, तो सबसे अच्छा इंडिया का रैंक डाउनग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, किसने रिलीज किया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये अपने को पता है. चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू रेगुलेशंस ऑफ फसाए रिगार्डिंग ट्रांस फैटी एसिड्स. फसाए इज बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपके खाने में कितने ट्रांस फैटी एसिड्स होंगे, कितना ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होगा, कितना ज्यादा शुगर कंटेंट होगा, इन सबको ही रेगुलेट करता है, ताकि खाने में किसी भी तरीके की अडल्ट्रेशन ना हो और इसको खाने से लोगों की सेहत पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. तो ये तो काम है फसाए का. अगर हम ट्रांस फैटी एसिड्स की बात करें तो ट्रांस फैटी एसिड्स बेसिकली क्या है ना, एक तरीके का ये फैटी एसिड है जो कि नेचुरली भी प्रेजेंट है, लेकिन ये आर्टिफिशियली ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन दी फूड कंटेंट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि नेचुरली ये आपके मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मतलब काफ़ी तो नहीं बट थोड़ा सा कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल कंटेंट, बट स्टिल इट इज़ फाउंड इन दी मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूँ कि भाई आर्टिफिशियली हम लोगों ने इसको बनाया है, तो हमने अगर किसी ऑयल में हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई है, उसके बाद ये जो भी चीज़ कंटेंट, जो भी चीज़ बनी है, उसमें जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये भी फॉर्म हो जाते हैं. अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आप कोई भी एडिबल ऑयल की बात कर सकते हैं. अगर इसमें मैंने हाइड्रोजन मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दी, तो अल्टीमेटली मेरे पास या तो कोई भी एक ऐसा घी अगर मैंने बनाया है, घी या फिर बटर कोई भी चीज़ है, वो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स हैं. और ये ट्रांस फैटी एसिड्स बेसिकली क्यों लाए जाते हैं, क्यों हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है, ताकि ये जो घी या फिर बटर बना है, एक तो इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी टाइम तक ये चलें, और साथ में इनमें जो एक तरीके से इनकी शेप जो है, शेप एंड साइज दीज आर डिज़ायर्ड, है ना, दानेदार घी हो ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे. तो ट्रांस फैटी एसिड्स को फॉर्म करने का एक पर्पस होता है, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ एंड टू हैव द डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट घी और बटर. लेकिन दिक्कत की बात यहां पर है कि जो ट्रांस फैटी एसिड्स है ना, दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि हमारी बॉडी में देयर इज अ लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स ना. कोलेस्ट्रॉल भी कई तरीके के होते हैं. एक होता है आपका HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. दूसरा होता है आपका LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. एंड वन इज VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. जो HDL है ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड कोलेस्ट्रॉल, कि भाई आपके शरीर में ये होना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता बॉडीज को. लेकिन जो ये VLDL है और ये जो LDL है, दे आर दी बैड कोलेस्ट्रॉल. तो जो ये ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, जो कि फॉर्म होते हैं आफ्टर दी रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद एनी ऑयल टू फॉर्म एनी बटर और घी, वहाँ पर ये ना तो सिर्फ HDL को कम करते हैं बॉडी में, और साथ के साथ ये जो LDL और VLDL है, इसकी जो अमाउंट है उसको भी बढ़ा देते हैं. तो ये दोनों तरीके से अटैक कर रहा है हमारी बॉडी पे.
तो ये अपने को क्लियर है कि ट्रांस फैटी एसिड जो है हमारी बॉडीज के लिए हेल्दी नहीं है। क्वेश्चन पर अगर हम आए, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है फसाई हैज कैप्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल्स एंड फैट्स टू 3% फॉर 2021 एंड 2% बाय 2022। कि भाई अगर किसी घी या बटर में जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उनकी जो अमाउंट है दैट कैन ओनली बी 3% बाय 2021, अभी तक वो चीज़ इन्होंने रेगुलेट कर दी है कि और 2022 तक आते आते दैट अमाउंट शुड बी 2%। अभी कितनी है, अगर हम अभी की बात करें तो दैट इज 5% कि आपके किसी भी घी या बटर में 5% कैन बी द ट्रांस फैटी एसिड्स। लेकिन ये जो है इसको हमें थोड़ा सा डिक्रीज करना है ताकि हमारी बॉडीज पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना पड़े। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, इन 2011 द TFA लिमिट वॉज 10% इन ऑयल्स एंड फैट्स एंड इन 2015 इट वॉज कैप्ड 5%। ये हल्की सी एवोल्यूशन है ट्रांस फैटी एसिड्स के रिगार्डिंग कि फसाई ने क्या क्या काम किए हैं टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन फैट्स एंड ऑयल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 2011 में तो सिर्फ ये जो लिमिट थी दैट वॉज 10%, फिर 2015 में ये 5% हो गई थी और हमें 2021 तक इसको 3% करना है और 2022 तक हमें 2% करना है इसे। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी आपको पता लग गया है और साथ में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये भी आपने देख ली है। अच्छा अगर हम देखें कि पूछा क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट कोड ना, तो दोनों ही सही हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, सी बोथ 1 और 2। चलो नेक्स्ट, मुकुंदपुरा CM2 दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए, क्या वो कॉमेट है, मीटियोराइट है, मीटियोरॉयड है या फिर नन ऑफ दी अबव। मुकुंदपुरा CM2 ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई ये किस चीज का बना हुआ है, क्या इसमें सिलिका ज्यादा है, क्या इसमें कार्बन ज्यादा है, तो ये बेसिकली इसलिए न्यूज में था। अगर हम बात करें कि ये क्या चीज है, मुकुंदपुरा CM2 का जो नाम है ये मुकुंदपुर गांव पर पड़ा है जो कि है नियर जयपुर राजस्थान। यहां पर 2017 में एक मीटियोराइट आकर टकराया था धरती से और उसके बाद काफी बड़ा एक क्रेटर टाइप सा बन गया था वहां पे, और जो वो मीटियोराइट था उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये किस चीज से बना है, कहाँ से ये आया है और इसकी क्या कंपोजिशंस हैं। तो ये क्या है आपका, इट इज अ मीटियोराइट। देखो मीटियोराइट तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मीटियोराइट तो होते ही वो हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते टाइम ही बर्न हो जाते हैं, है ना, तो मतलब वो तो खत्म ही हो जाते हैं, वो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही खत्म हो जाते हैं। तो मीटियोरॉयड तो ये हो ही नहीं सकते, वो तो स्पेस में घूम रहे हैं। आपने अभी आपके लिए होमवर्क है कि आप देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटियोरॉयड एंड मीटियोराइट। अगर कोई मीटियोरॉयड आकर टकरा जाता है धरती पर, अर्थ पर, तो उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट टी। तो ये है आपका मुकुंदपुरा, इट इज अ मीटियोराइट जो कि जयपुर जगह में मुकुंदपुरा विलेज के पास यहाँ पर आकर गिरा था। हमने जो इन्वेस्टिगेशंस करी हैं इसकी, हमें ये पता लगा है कि इट इज अ टाइप ऑफ स्टोनी मीटियोराइट। स्टोनी मीटियोराइट का बेसिकली मतलब है जिसमें जो सिलिका है उसकी अमाउंट काफी ज्यादा होती है, तो इट इज सिलिकेट रिच एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव मीटियोराइट एंड अ रेमनेंट ऑफ फर्स्ट सॉलिड बॉडीज टू अक्रीट इन द सोलर सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि बहुत टाइम पहले ये बना था और रिसेंटली अभी अर्थ पर आकर ये गिरा है, तो अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हम लोग सोलर सिस्टम पहले कैसा था इस टाइम से पहले, वो हम लोग एक तरीके से पता लगा पाएंगे। जस्ट हम लोग जो पूरी चीज़ें भेजते हैं सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए, मकसद ही हमारा ये होता है कि सोलर सिस्टम पहले कैसा था वो हम पता लगा सकें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,